एवरीवन, इतने सुनहरे मौसम पे कैसे घर में बैठे रहे, तो फिर से निकल पड़े कोई नया से जगह की खोज में। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं और कौन सा जगह आज में आप लोगों को दिखा पाते हैं। घूमेंगे घुमाएंगे और ये इतना सुंदर मौसम का आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, घूमते घूमते हम लोगों से भेंट करने कौन आया है, ओके दिखाते हैं। ये देखिए बंदर, क्या नजारा है, क्या रास्ता है, लेते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पता नहीं। असल में जाते जाते ये व्यू पॉइंट का एक बोर्ड दिखाई दिया, तो चले इधर ही घूमते हैं। जगह का पूरा व्यू देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। जितना देख रहे हैं और भी देखने का मन कर रहा है। और ये है वही होम स्टे बोले या फिर रेस्टोरेंट बोले, सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे रह के घूम के खाना पीना खा के सब कुछ कर सकते हैं, चाहे तो पिकनिक भी मना सकते हैं, कपल आ सकते हैं, दोस्त लोग मिल के आ सकते हैं। और यहाँ पे आने का सबसे आसान रास्ता है आपको चलसा से सामसिंग, चलसा के बाद मेटली से सामसिंग हो के संतोला खोला के रास्ते के राइट साइड में आना पड़ता है। इसका पूरा डिटेल्स हम बाद में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। और सामने का व्यू थोड़ा देख लीजिए, रेस्टोरेंट यहाँ का पूरा डिटेल्स। और ये है रिसॉर्ट, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चकला व्यू पॉइंट के अंदर। तो पता नहीं था ये एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे होम स्टे भी है, ये होम स्टे बना हुआ है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे आके होम स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे बाहर में रेस्टोरेंट का भी ऑप्शन है, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे आराम से बैठ के मज़ा उठा सकते हैं खाने का, और देख ही सकते हैं और भी दिखा रहे हैं आगे जाके। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत खाने का ऑर्डर करके अंदर में आए हैं, ये जगह को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, घूम लेते हैं, क्योंकि लगता नहीं ये जगह में शायद यूट्यूब में अभी तक किसी ने कुछ छोड़ा होगा, पता नहीं, देखते हैं। क्या सीन है, क्या जगह है, यहाँ पे नेट है बोल के आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि आगे में खाई भी है, लेकिन उसके बाहर तरफ जो दिख रहा है थोड़ा बहुत दिख रहा है, कैमरे में उतना अच्छा से आ नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो
चारों तरफ घूम लेते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, जितना देख रहे और भी मजा आ रहा है। ये एक बांस से बना हुआ एक प्लेटफॉर्म जैसा है, ये क्या काम में आता है वो अभी आप लोग को दिखाते हैं। मेरा वर्ड तो संभाल लिया। तो यहाँ से देखने को मिलता है वो, यहाँ पे एक झरना है, कैमरे में उतना दिखाई नहीं दे रहा पेड़ के कारण, कोशिश करते दिखाने का, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे तो एक दिन रुकना बनता है, आएंगे दोस्त लोग मिलकर किसी दिन और थोड़ा नज़ारा का मज़ा उठाइए। बहुत बढ़िया है कविता। बहुत टेस्टी है। तो ठंडा बढ़ चुका है और अभी हम लोग का जाने का भी टाइम हो चुका है, खाना पीना तो हो गया, लेकिन लास्ट में और एक चीज़ दिखा देते हैं जो इस जगह के जो मेन ऑनर है उनसे आप लोग का परिचय करवा देते हैं। तो भैया आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम रूपेन बिच्चा। अच्छा, तो ये जगह के बारे में कुछ बता दीजिए। जी हाँ, ये जगह समथिंग जो मंडल गांव बोल के ये जगह का नाम है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा जगह है। आप सभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को सभी को यहाँ पर आने का निमंत्रण करते हैं। जरूर, ये जगह का जगह आके देखिए, और ये पीसफुल जगह है, इतना सुंदर जगह है। आप वीडियो में आप देखेंगे ही, जो सर के तरफ से वो जो अभी यूट्यूब चैनल सर के है उसमें आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कर दीजिए क्योंकि तो वहाँ का जरूर जरूर। और हम कुछ बता देते हैं इस जगह के बारे में, आप लोग चाहे तो यहाँ पे आके पिकनिक भी मना सकते हैं, एक साथ में कपल भी आ सकते हैं, यहाँ पे होमस्टे के भी ऑप्शन है, खाने पीने का सारा कुछ, मतलब सब कुछ है। हम इसका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि हम लोग को भी इस जगह के बारे में पता नहीं था, जाते जाते बोर्ड देखे तो आ गए तो मिल गया, और इतना खूबसूरत जगह नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो जरूर आज के लिए इतना ही, आज तो चलते हैं। थैंक यू।